लेयर फीड कब दें। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि लेयर फीड कब देनी चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हमने जो है वो स्टार्टर फीड किस तरह देनी है, प्री स्टार्टर फीड किस तरह देनी है, फिनिशर किस तरह देनी है। और उसके बाद वाली वीडियो में हमने ये बताया था कि हमें चूज़ों को कौन सी फीड देनी चाहिए कौन सी एज में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाएं, विज़िट करें, वहाँ पे वीडियो को ज़रूर चेक करें। सो ये है मेरी वाइट हैन, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता है कि ये मेरी वाली जो वाइट हैन है वो अभी भी मेरे पास है। एंड ये ज़्यादातर वीडियो में आती नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादातर चिक्स को कवर करता हूँ, लेकिन आज इसको कवर करने का मकसद ये है क्योंकि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि लेयर फीड है जो कब दें। प्री स्टार्टर के बारे में पिछली वीडियो में बता दिया था, स्टार्टर के बारे में बता दिया, फिनिशर के बारे में भी बता दिया था, और ये भी बता दिया था कि बच्चों को, चूज़ों को जो है वो कौन सी उम्र यानी कौन सी एज में कौन सी फीड देनी चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो और ग्रोथ उनके अच्छी हो और उनका अच्छा गेन हो, वजन अच्छा गेन हो। सो आज का इसको लाने का मकसद ये है कि साथ में आपको दिखा भी दूँ कि मेरे पास अभी ये कि यही वाली मुर्गी बची है, उनमें से जो पिछली वालियों थी लाल वाली जो मैंने पिछले वाले चैनल पे जो मेरे चैनल पे पिछली वीडियो है उनमें थी, उनमें से ये सिर्फ एक मुर्गी बची थी एंड दो एक लाल थी वो मैंने सेल कर दी थी। एंड देन अभी लेयर फीड हमें कब देनी चाहिए। लेयर फीड अगर आपके बर्ड्स देसी हैं या गोल्डन हैं तो उन्हें आपने लेयर फीड 4 मंथ के बाद आपने शुरू कर दिया था। जब आपके चिक्स जो हैं वो पूरे 4 मंथ से ऊपर हो जाए तो आपने उनके लिए जो वो अंडों पे तैयार होने के तादार पर आ जाएं तो आपने उन्हें लेयर फीड स्टार्ट कर देनी है अगर आप फीड देना चाहें। अदरवाइज अगर आप फीड नहीं देना चाहते तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है कि बिना फीड से मुर्गी को अंडों पे कैसे लाएं। जल्दी सब तरह की वीडियो मेरे चैनल पर जाएँ, विज़िट करें, आपको वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं अगर आपने लेयर फीड देनी है तो आपने कौन सी देनी है। 4 महीने के बाद आपने लेयर फीड देनी है, आपको गोदरेज की भी मिल जाएगी, अनदर भी मिल जाएगी। 4 महीने के जब ऊपर से आपके बर्ड्स जो हैं वो हो जाए तो आपने उन्हें लेयर फीड स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने लेयर के बारे में बात नहीं की थी तो इसे सेपरेट वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं लेयर पर वीडियो बनाऊँ कि लेयर फीड कब देनी है। एक भाई का कमेंट भी आया था मुझे इंस्टाग्राम पे, एंड देन फिर एक और भाई का आया था कि लेयर फीड कब दें, और इंशाल्लाह आप लेयर फीड आप दे सकते हैं उन्हें 4 महीने के बाद जब आपके बर्ड्स हो जाए तो आप उन्हें लेयर फीड दें। और अगर आप फीड नहीं देना चाहते तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो आप वो भी जाकर विज़िट करें। तो उनमें पिछली बारी वीडियो में तो मेरे यही बच्ची है, उनमें से मुर्गी अभी मैं चिक्स ज़रूर लाऊँगा, 3-4 दिन से बाद मेरे चिक्स जो हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएंगे। एंड इधर जो चिक हैं वो मैंने इधर कर दी, मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सेटअप पर लाऊँगा तो ज़रूर आएगी। एंड अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड इंस्टाग्राम के आईडी का लिंक मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर न्यू एंड अनदर अपडेट। इफ़ यू वांट टू आस्किंग समथिंग सो प्लीज़ डू द कमेंट सेक्शन। एंड एक ये दिखाऊँ, ये मेरा कबूतर है। जो कबूतर पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि मेरे पास कबूतर का भी सेटअप है, मैं उनके बारे में भी बता सकता हूँ आपको और दिखा भी सकता हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो। लेकिन अदरवाइज़ मैं मुर्गियों पे भी ज़्यादा वीडियो आप नहीं देखी, क्योंकि कबूतर पे कोई वीडियो नहीं है, शायद एक वीडियो है, उससे बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी कबूतर पर। अगर आप चाहते हैं कि दिखाऊँ तो मैं ज़रूर बना सकता हूँ। और ये रही वाइट मुर्गी, देसी है, जो असील का क्रॉस मैंने बताया था आपको। एंड इधर असील बच्चे हैं जो अभी फ़िलहाल ताड़े हुए, इसलिए क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, इसकी वजह से मैंने असील बच्चों को जो है वो अंदर खुड्डे में ताड़ा हुआ है ताकि गर्मी इन्हें ज़्यादा गर्मी से ये ज़्यादा परेशान ना हो। क्योंकि आपको पता है मौसम अभी सही नहीं है, कभी बारिश कभी गर्मी पड़ रही है, सावन का महीना चल रहा है, एंड देन मैं नहीं चाहता कि चिक्स को कोई भी बीमारी हो। सो ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए मैं वीडियो को ख़त्म करता हूं, एंड उम्मीद करता हूं कि आपको पता लग गया कि लेयर फीड आपने कब देनी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।